यार मैं घर से बहुत तंग हूँ यार, ये औरतों के झगड़े बहुत गंदे होते हैं। मेरे कर रहे तो शादी नहीं कर रहे हैं। मेरे को लगता है ये भी घर वालों के साथ झगड़ा करके आ रहा है, बीवी से मार खाता आया होगा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, कैसे हो और कैसे बैठे हो यहाँ पर आज तुम दोनों? यार तेरे को तो रोज का पता है कि रोज हमारे घर में झगड़े चलते रहते हैं। तुम लोगों ने खाना वाना खाया कि नहीं? नहीं यार, हमने अब तक कहाँ खाना खाया है। चलो आ जाओ। दाद भाई तुमने कब दी है? मैंने कब दी तुमको शादी की दाद? आपने पूरी बिरादरी को दावत दी है ना? मैं कहता हूँ तुम लोगों के बैठने का बंदोबस्त, चलो नहीं उधर चलो। अच्छा अच्छा, क्या हुआ? खाना खिला रहे हो क्या? अभी तेरे को इनकी हरकतों का पता चल गया ना? अबे भाई रुको इधर, ये अपने बच्चे तो लेके जा, बेगम तो लेके जा, क्या ये 3 दिन और इधर ठहराओगे क्या? इसको बहाने ढूंढ रहे हो तुम लोग, मैं उसको बताता हूँ लेके जा। यार मैं घर से बहुत तंग हूँ, अभी मैं घर से जो है ना बाहर निकल आया हूँ, इतना परेशान हूँ कि घर में देख सुबह से शाम तक झगड़े ही झगड़े चलते रहते हैं। तेरा भी तो घर मेरे घर के सामने ही है ना, कितनी आवाज़ें आती हैं तुझे पता होगा। अभी भी मैं इसीलिए निकला हूँ कि मेरी बीवी ने जो है ना मेरी वालदा के ऊपर चाय गिरा दी और ये लड़ना शुरू हो गई है, अभी ये शाम तक लड़ती रहेंगी। यार ये औरतों के झगड़े बहुत गंदे होते हैं। मेरे भाई की दोनों बीवियां, बड़े भाई की और छोटे भाई की, सारा दिन लड़ रही होती हैं एक दूसरे के साथ, घर वालों के साथ, बहनों के साथ। हमें जलील किया हुआ, यकीन करो, तंग आकर मैं आके इधर बैठ गया हूँ, इसीलिए मैं शादी भी नहीं कर रहा हूँ। उनके झगड़े देख देख कर जलील हो गए, कसम से जलील हो गए। अच्छा कर रहे हैं तो शादी नहीं कर रहे, अगर शादी करेगा ना तो जलील होगा, जलील। अभी तू आजाद बैठा हुआ है यहाँ घर से बाहर, सुकून से बैठा हुआ है, तो जब शादी करेगा ना तो ये घर के झगड़ों में तू फंसा ही रहेगा। यार वो देख साहिल भी आ रहा है। ये मेरे को लगता है ये भी घर वालों के साथ झगड़ा करके आ रहा है, बीवी से मार खाता आया होगा। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, कैसे हो और कैसे बैठे हो यहाँ पर आज तुम दोनों? हाँ यार तेरे को तो रोज का पता है कि रोज हमारे घर में झगड़े चलते रहते हैं। हाँ ना, घर के झगड़ों की वजह से आके इधर बैठे हो तो मेरे भाभियों के मसले, वो एक दूसरे के साथ लड़ाई करे थे, ये बीवी के झगड़े की वजह से इधर आके बैठा होता, जलील हो गए, इधर आके बस बैठे होते हैं अकेले, ये भी दुखी वे भी दुखी। आज सुकून है यार, आज मेरी बेगम गई है दावत पे, तो आज मेरे घर में बिल्कुल कोई भी नहीं है, सन्नाटा है, बिल्कुल सुकून है, वो गई है दावत में। तुम लोगों ने खाना वाना खाया कि नहीं? नहीं यार, हमने अब तक कहाँ खाना खाया है। नहीं यार, घर वाले किधर खाना देते हैं, झगड़े खत्म हो तो हमें खाना बना के देना। चलो फिर चाचा मशहूर ने दावत रखी है, बच्चे का खतना वतना करवाए तो छोटी मोटी दावत रखी है, वहाँ से खाना खाते हैं, फिर मेरे घर चलते हैं, लूडो वूडो खेलते हैं मजे से। चलो आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम चाचा मशहूर, क्या हाल है? अरे साइड हो जाए, चाचा इधर कोई टेंट मेंट नहीं लगा हुआ, हम लोगों को आते हुए देर हो गई क्या? इधर टेंट होता हम बैठते ना शान और शौकत से। शादी की दावत भाई तुमने कब दी है? मैंने कब दी तुमको शादी की दावत? वो तो लेडीज की दावत है बस। चाचा आपने पूरी बिरादरी को दावत दी है ना, तो मैं भी आ गया हूँ, मेरे घर पे भी कार्ड आया था, आप टेंशन नहीं लो, मैं लिफाफा विफाफा लेके आया हूँ, बस अभी हमारे बैठने का बंदोबस्त करो। कार्ड वार्ड तो वो लेडीज का कार्ड था, लेडीज को सिर्फ दावत थी, औरतों को कितना था ना बच्चे का, तो वो सिर्फ औरतों को। तुम क्यों आए? तुम्हारा तो मुझे मुंह लग रहा है कि तुम बस लिफाफे में 100-200 सही लाए हो। तुम्हारी बेगम, उसने तो धूम मचाई हुई, 5 बच्चों के साथ आई हुई है, ना कोई वो बच्चे के लिए कोई हार मार लाई है, ना कोई नोटों वाली कंडी लाई है, ना कोई वो उसके ऊपर पैसे भी फेंक नहीं रही। क्या नहीं खत्म हो गया सब कुछ, तुम लोग जाओ बस, वो बेगम इधर है ना, वो बहुत है। अच्छा फिर मैं भी तो लिफाफा लाया हूँ ना, मेरे को खाना खिलाओ, लिफाफा दे रहा हूँ ना बाबा। बेटा तू ऐसा कर, लिफाफा मेरे को दे दे, तेरी बेगम ने जो खाया हुआ है ना उसमें से तेरा हिसाब कट जाएगा, तेरी जो है ना शक्ल से लग रहा है कि तू 100-200 ही लाया होगा, सही है? तू ये दे दे बस, तू निकल जाए जैसे, और इनको भी लेके जा। चाचा ऐसे कैसे, बच्चे का खतना किया है, खुशी की है, आपने दावत की है, हम दोस्त लाया हूँ मैं, खाना मना खिलाओ, लिफाफा ले लो ना, खत्म हो गई ना बात चाचा। अच्छा ये तो दोस्त, ये तो लग रहा है जानू का बेटा लग रहा है, और ये जर्मन का बेटा लग रहा है शक्ल से। जी जी चाचा बिल्कुल आपने सही पहचाना है, ये दोनों मेरे दोस्त है, बैठने का बंदोबस्त करो चाचा, जल्दी करो। मैं करता हूँ तुम लोगों के बैठने का बंदोबस्त, चलो नीचे उतरो, चलो 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 आगे जाओ। चलो 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 चलो, क्या बात?
हाँ चाचा, नीचे क्यों उतारा, हम कहाँ बैठे? नीचे इसलिए लाया हूँ कि वो लेडीज है, औरतें हैं पराई, तो वो तुम लोग वहाँ शोर कर रहे हो, इसलिए मैं तुम लोगों को नीचे आया। और ये इनके साथ तो मेरा खाना पीना ही नहीं, अब्बा दादा ने भी इनके साथ नहीं खाया, ये बगैर तुमको तुम लेके आए हो साथ इधर। चाचा ये मेरे दोस्त भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, आप भी रिश्तेदार हो, फिर इनसे बिरादरी कैसे खत्म हुई भला? अब तुम कैसी बातें कर रहे हो? बेटा तुमको इनकी हरकतों का पता नहीं है, ये पूरा ट्रैक्टर भर के आते हैं, सारा घर से पीछे से ताला लगा के आते हैं और 100 रुपया दे के खाना पीना खा के चले जाते हैं। इसलिए मेरे दादा ने फरूख ने कहा कि कुछ भी हो जाए इनके साथ नहीं खाना है, मतलब बस रिश्तेदारी है, बाकी खाना पीना इनके साथ हमारा नहीं, खत्म कर दिया। चाचा दावत मावत में आप इनको नहीं बुलाते, सही है, मेरे को तो बुलाए, मेरे बच्चे तो अंदर हैं, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त तो करो ना, अभी मेरे साथ ही खा लेंगे, आपको थोड़ी तकलीफ देंगे। वो लेडीज की दावत थी बेटा, आप तू भी निकल इनके साथ, इन टपोरियों को भीख मंगों को इनको भी लेके जा साथ, निकलो निकलो यहाँ से। यार शायद ये तो दावत नहीं खिला रहा, फिर छापरों का क्या करें, भाई इनको रहने दो, तुम चलो अभी। रुको 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 रुको। हाँ चाचा क्या हुआ, खाना खिला रहे हो क्या? अभी तेरे को इनकी हरकतों का पता चल गया ना, ये देख सौपरे भरी हुई है जेबों में, ये ऐसे ही करते हैं, अभी दावत नहीं दी अभी ये हशरे, अगर मैं दावत देता तो क्या बचता हो? चाचा अब बस ज्यादा मगजमारी नहीं करो, हम जा रहे हैं, आपको पता है मेरी बेगम इधर है, खाना बना के मेरे को खिलाती, अभी वो इधर दावत में आई, मैं क्या करूँगा, अभी मैं भी आपके साथ बद बिरादरी खत्म कर दूंगा, आपकी दावत में दोबारा आऊंगा। चलो हाँ गल साले, इनको पता नहीं है कि घी कितने किलो, चावल कितने किलो है, अभी मैंने दावत की, अल्लाह करे कि कुछ नुकसान ना हो मेरा। यार ऊपर से आ जाते हैं चलो। अबे भाई वो रुको इधर, ये अपने बच्चे तो लेके जा, बेगम तो लेके जा, क्या ये 3 दिन और इधर ठहराओगे क्या इसको, बाहर ढूंढ रहे हो तुम लोग, मैं उसको बुलाता हूँ लेके जा अपनी बेगम को भी साथ।